हैं मौजूद अलीगढ़ में। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगातार अलीगढ़ में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन को लेकर किसानों की सिर्फ यही मांग है एमएसपी बिल को लागू किया जाए, साथ ही उनकी जो पुरानी लंबे समय से मांग चल रही है उनको पूरा किया जाए। लेकिन किसानों के ये भी आरोप हैं, लंबे समय से मौजूदा सरकार के द्वारा किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते लगातार किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो हरियाणा की, सभी प्रदेशों में किसानों के द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या वो वजह है, आखिर किसान क्यों सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमी, मैं राष्ट्रीय प्रभारी किसान सेना। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, क्या वजह है? देखियो, प्रदर्शन जो है ना सरकार खुद करा रही है। प्रदर्शन जो है ना 26 महीने पहले जो हमारा धरना स्थगित किया गया था दिल्ली बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से, और हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपके काले कानून वापस कर लिए गए। उसी के साथ साथ हमें बताया गया था कि आपकी एमएसपी की लड़ाई है, एमएसपी पर हम जो है ना कानून बना रहे हैं और एमएसपी है और रहेगा। तो हम बार बार यही कह रहे हैं, जब एमएसपी है और रहेगा तो आप एक ठप्पा क्यों नहीं लगाते, क्यों 3 बार बात करते हो, 4 रोज की बात करते हो, बार बार जो है ना यही आश्वासन हमें देते हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव का तो हमें पता नहीं चुनाव का क्या असर पड़ेगा, लेकिन हमें इतना पता है अगर एमएसपी गारंटी कानून सरकार नहीं देती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे सिंधु बॉर्डर, गिनोरी बॉर्डर पे जो हरकत कल की गई, ये सरकार इस हरकत को रोक दे, जबकि हरियाणा और पंजाब की कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि आपको कोई अधिकार नहीं कि आप रोड पर बैरिकेड लगा दिए जाए। ये रोड जो है सभी के लिए बनाया गया, आप किसानों को जो है ना रास्ते बंद कर रहे हैं। जब एक तरफ से सरकार कहती है कि अगर आंदोलन कोई करता है और रोड पे बैठता है वो उल्लंघन करता है, लेकिन सरकार खुद उल्लंघन कर रही है। क्या मानेंगे मौजूदा सरकार के इस नज़रियों को किस तरीके से देखते हैं? मौजूदा सरकार जो है वो किसानों का सुनना ही नहीं पसंद करती। जो सरकार ने जो वायदे किए थे अपने घोषणा पत्र में, जो कहा था जब 2022 में सरकार आई थी, ये अपने घोषणा पत्र में सबको कहा था कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे और लगातार देते आ रहे हैं, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक बार ठप्पा भी उस पर लगा दिए। और भी किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष। क्या कहेंगे किसानों को लेकर, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन सरकार करा रही है, ये जो आश्वासन दे देती है उसको झूठ बोल करके किसानों को हटा देती है धरना प्रदर्शन से और उसके ऊपर अत्याचार करती है। कब तक चलेंगे ये प्रदर्शन? ये जब तक चलेंगे जब तक सरकार हमारी माने नहीं मांगेगी, जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किस स्तर तक किसान जो है प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं? किसान आगे बढ़ गया है, सरकार के बलबूते नहीं है कि सरकार बगैर फैसले लिए किसान के पक्ष में जब तक उसे हटा सके। सरकार ने पहले भी फैसला लिया था, किसानों ने प्रदर्शन बंद कर दिया, एक बार फिर किसान सड़कों पर है। सरकार ने झूठ बोला था, आश्वासन दिया था, एक बार ही तो मान लिया जाता है, लेकिन सरकार इतना, देश के प्रधानमंत्री किसान मजदूरों के सामने अपना आश्वासन दे दिया, उसको विश्वास में लेते हुए किसान मजदूर वहां से अपना धरना प्रदर्शन को हटा दिया, लेकिन 26 महीने बाद दोबारा फिर हम लोगों ने अपना धरना को जारी किया, जबकि उन्होंने लिखित में आश्वासन देने की बात कही थी कि आप लोगों को जो मांगे हैं 3 काले कानून हो जाएंगे वापस आपके और एमएसपी की गारंटी को हम लिखित में आपको दे देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं किसानों का जो प्रदर्शन है वो जायज़ है या फिर नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से जो किसान है वो अपनी डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। सरकार किसानों को दिल्ली के जाने से क्यों रोकती है? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो बीच के लोग हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो बार बार चंडीगढ़ आते हैं, 4 दौर की बात हो चुकी, कल ये गिनोरी बॉर्डर के अंदर जो एक कैंप लगाया है किसानों ने, वहाँ पर एक किसान की हत्या कर दी गई, वहाँ पर जो गोला बारूद जो फेंके जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। क्या नीति रहेगी किसान सेना अलीगढ़ से, क्या आगे जाएगी? किसान सेना को एक कॉल की इंतजार है, किसान सेना का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक किसान मजदूर सब अपने किसान पहुंचेगी किसान सेना? हमारा दिल्ली कुछ का ही आदेश रहेगा, जो भी आदेश हमारे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार जी का होगा, हम उसकी उनकी एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जो एसकेएम की एक कॉल होगी, 2 दिन का समय मांगा गया, 23 तारीख तक के लिए विराम लगा दिया गया, 23 तारीख की शाम को 5 बजे निर्णय हो जाएगा कि क्या आगे घोषणा होती है। 23 फरवरी शाम 5 बजे किसानों के द्वारा बड़े प्रदर्शन की तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन 23 को जो कॉल आएगी उसके बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी को अंजाम दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।